स्वामी जी हमने देखा जब हमने प्रेशर एप्लीकेशन किया तो जिन एनिमल्स के अंदर अर्थराइटिस पैदा हुई थी वो एनिमल बहुत तेज़ी से हाई पेन में थे और थोड़े ही रिस्पॉन्स से वो हाई रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिए थे। और जब स्वामी जी हमने उनको पीरन गोल्ड दिया, तीन डोज दिए, एक ह्यूमन डोज थी, एक उसकी तीन गुना कम और एक उसकी तीन गुना ज़्यादा, तो तीनों डोज पर स्वामी जी हमें डोज डिपेंडेंट तरीके से उनके पेन सेंसेशन में लाभ होता हुआ दिखा स्वामी जी। और ये समझिए हमारी फर्स्ट फाइंडिंग थी और हम लोग से बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हमने दोनों तरीके जब भी देखा तो हमने वो देखा, वो पेन कम हो गए थे और एनिमल का बिहेवियर भी बेटर हो गया था। उसके बाद स्वामी जी हमने इनके एक्सरे किए, एनिमल्स का एक्सरे भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, पर हमने वो भी किए और आपके आशीर्वाद से वो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इनके एक्सरे लेके उसको एनालाइज कर सकते हैं स्वामी जी। तो इसके लिए स्वामी जी हमारे पास अलग रेडियोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि इंसानों के रेडियोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं ऐसे ही एनिमल्स के भी होते हैं। उनकी मदद से हमने हर एक एनिमल के एक्सरे लिए, उनके जॉइंट का एक्सरे किया और उसको फिर स्कोर किया स्वामी जी। हमने ये देखा कि अगर हम ब्लाइंडेड स्कोरिंग करें, जैसे कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको हम ये नहीं बताते हैं कि कौन सा एनिमल डिजीज्ड है, कौन से एनिमल को उनको ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसी को ब्लाइंड रिसर्च कहते हैं। हाँ स्वामी जी, तो वो बिल्कुल ब्लाइंडेड थे, उन्हें पता नहीं था, उनके पास सिर्फ एक्सरे फिल्म गई और उन्होंने उन सब एक्सरे फिल्म और एक्सरे इमेजेस को स्कोर करके ये बताया कि किस फिल्म में, किस इमेज में इन किस टाइप की बोन की डिफॉर्मिटीज़ हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। और फिर उस डेटा को हमने उन साइंटिस्ट को दिया जो ये डेटा कंपाइल कर रहे थे, फिर उन्होंने उस ब्लाइंडेड डेटा को अनकोड किया और ये देखा कि जिन जिन एनिमल्स के फिल्म्स में, जिन जिन एनिमल्स के रेडियोलॉजिकल चेंजेस स्कोर किए गए थे, जब डिजीज़ पैदा हुई स्वामी जी तो रेडियोलॉजिकल स्कोर बढ़ गए थे, और जिन एनिमल्स ने पीरन गोल्ड का सेवन किया था, जिन्हें दवा दी गई थी, रेडियोलॉजिकल स्कोर स्वामी जी इनके नॉर्मल आने शुरू हो गए थे, और जो हाई डोज थी एनिमल की उसका रिस्पॉन्स और नॉर्मल एनिमल का रिस्पॉन्स बिल्कुल बराबर था। तो ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी कि जो हम फाइंडिंग दिखा रहे थे वो बोन के लेवल पे, कार्टिलेज के लेवल पे भी चेंज दिखा रहा था। उसके बाद स्वामी जी हमने फिर इन एनिमल्स के बोन्स को आइसोलेट किया, उनका सेक्शन इन करके हिस्टोपैथोलॉजी किया और ये देखा कि क्या जो दो हड्डियों के बीच में गैप है वो, और उनके आसपास जो कार्टिलेज है उसकी थिकनिंग वो कैसे चेंज हो रही है। ये इतने सुंदर सुंदर फोटो आप मतलब रियल होते हैं कोई आर्टिफिशियल खींचते हैं? नहीं, स्वामी जी ये रियल फोटोज हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्चुअली बोन जॉइंट्स का TS है, मतलब उनका एक सेक्शन कटा हुआ है और जो बीच में आपको वाइट वाइट लाइन दिख रही है, जो नदी बहती दिख रही है, वो एक्चुअली दोनों बोन्स के बीच का गैप है। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि जहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, उसके अंदर कार्टिलेज होता है जो दोनों को घिसने से बचाता है, दोनों को बचाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप में देख रहे हैं वो थोड़ी नदी चौड़ी है, मतलब वो नॉर्मल बना हुआ है, और जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो नदी पतली होती जा रही है। तो एक बरसाती नदी है और एक गर्मी की नदी है, और जो गर्मी वाली है वो डिजीज डिपेंडेंट है, जो डिजीज की वजह से वो गैप कम हो गए। और जिन जिन एनिमल्स को हमने गैप कम हो गया मतलब कार्टिलेज घिस गए तो गैप कम हो गया, खराब हो गए, खराब हो गए स्वामी जी, तो वापस से कार्टिलेज आए आ गए स्वामी जी। आप देखिए जो स्क्रीन पर आप देखेंगे, आप लोग दोबारा जो आप नीचे वाला देख रहे हो, जो कोने में आपको सबसे नीचे दिख रहा है, वहाँ देखिए जो नदी जैसी सिचुएशन है उसकी चौड़ाई वापस वही हो गई है जो पहले वाले में आप देख तो रहे हैं। पहले घिसाए और बाद में वापस ले आए, ये है बड़ी बात। तो कार्टिलेज घिसे हुए अच्छे होते हैं। ये एक एक फाइंडिंग ऐसे नहीं हो जाती, बहुत मेहनत लगती है। कितने महीने लगे थे इसमें स्वामी जी? हमें चार पाँच महीने लगते हैं एक एक चीज को ऐसा पूरा, उसका पूरा डेटा उसको पूरा का पूरा साइंटिफिकली वैलिडेट करने में। और हमने ये पहली बार बताया घिसे हुए कार्टिलेज वापस आते हैं स्वामी जी। अब ये इतनी सी बात कहने में तो कह दी, लेकिन इसके पीछे करीब हमारे 500 डॉक्टरों की मेहनत लगी है, इसके पीछे लाखों करोड़ों वर्ष पुराना अपने ऋषियों का ज्ञान का आधार हमने लिया और अपने अनुभव का आधार लिया। और ये जो फार्मूलेशन है ना, ये किस मात्रा में कौन सी दवाई मिलानी है, ये लैब में रिसर्च करते हैं तो 10-10 साल लग जाते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भगवान जी हमको बता देते हैं बेटा इस मात्रा में मिला ले, इसका परिणाम एकदम सही आएगा, वैसा ही आता है। अब उसको आप हनुमान जी बोलो, राम जी बोलो, कृष्ण जी बोलो, शिव जी बोलो, भगवान जी बोलो, एक ही बात है। ये काम होते हैं ऐसे।
तो फिर ये कार्टिलेज वापस आ गए स्वामी जी, और फिर हमने देखा कार्टिलेज वापस आके सिरे हैं। तो स्वामी जी एक टाइप का एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो COMP कहते हैं, जो कार्टिलेज डिपेंडेंट होता है। हमने स्वामी जी ये भी देखा कि कार्टिलेज वापस आए तो क्या उसका लेवल भी चेंज हुआ था। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल्स के सीरम में, इनके खून में ये लेवल नापा और देखा जब डिजीज थी तो एनिमल्स का खून कैसे लेते हैं, पतली पतली नाड़ियाँ होती हैं उनको कैसे निकालते हैं? तो वो स्वामी जी उनकी पूंछ में से लेते हैं, जहाँ जो पूंछ का ज्वाइंट होता है वहाँ से लेते हैं। तो पूंछ काट देते हो? नहीं, स्वामी उसके पीछे जो छोटा सा एक वेन होता है वह जैसे अपने हाथ से लेते हैं ऐसे वहाँ से भी ले लेते हैं। और दूसरा स्वामी जी उनकी आँख से लेते हैं, जहाँ हमारी आँख का ज्वाइंट है एनिमल्स के ऊपर एक छोटा सा वहाँ पे ब्लड वेसल होता है जो सामने दिख रहा होता है, तो वहां से ब्लीड करना आसान होता है। और हमारा तो ऐसे खींच लेते हैं, सूंघ लेते हैं। नहीं स्वामी जी, जानवरों का कैसे लेते? नहीं, जानवरों ऐसे लेते स्वामी, आंख से लेते हैं और पूंछ से लेते हैं। अच्छा। तो आंख वाला वो थोड़ा सा सेफ और आसान माना जाता है, मतलब आंख के ऊपर, नॉट रियली आंख से, जहां से हम उसको आंख के ऊपर से, आंख के ऊपर से स्वामी जी। तो वो हम उनका खून ले लेते हैं, उसका सीरम निकालते हैं और उस सीरम में स्वामी जी ये वाला लेवल नाप के देखते हैं। तो जो हम साइटोकाइंस का लेवल नापते हैं वो भी सीरम से आ रहा होता है या फिर टिश्यू से आ रहा होता है। तो वो भी स्वामी जी नापते हैं और देखा कि जो कॉम का लेवल जो बीमारी की वजह से बढ़ गया था वो भी पीरियडल गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल किया समझे। ये एक डोज डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि एक सुनिश्चित मात्रा में ही दवाई देने से वो फायदा होगा, बहुत कम लेने से फायदा नहीं होगा समझे। और ज्यादा कितनी तक दे सकते हैं हम, कितनी दवाई का कितने गुना तक इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान को दो दो गोली की डोज देते हैं अक्सर, एक या दो गोली की। स्वामी जी जो हमने अपने फाइंडिंग की हुई है इस केस में स्वामी जी हम 28 गुना तक गए, लगभग हमारी सभी दवाइयों का लगभग किसी का 10, किसी का 20, किसी का 28 गुना तक हम डोज देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा बीमारी हो जाए तो मैं सीधी 2 से 4 गोली कर देता हूँ और बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि एक सुनिश्चित डोज पर देने पर ही उसकी एफिकेसी, उसका परिणाम आता है। एफिकेसी कोरोना में बहुत सुना है तुमने जी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी ये जो हमने काम किया स्वामी जी, ये फार्माकोलॉजी के एक बड़े जर्नल फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में स्वामी जी पब्लिश हुआ, जो आप स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी। और इसका स्वामी जी फॉलोअप बहुत अच्छा है, और जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था, हमारे रिसर्च की वैल्यू जब आती है जब दूसरे साइंटिस्ट उसको अपने काम में साइट करना शुरू कर देते हैं, रेफरेंस के तौर पर यूज़ करना। हाँ, स्वामी जी, और इस पेपर को स्वामी जी रेफरेंस के तौर पर बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, दुनिया भर के और ड्रग्स नाउ स्वामी जी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के पेपर में हमारे इस पेपर का रेफरेंस आता है। एलोपैथी वाले भी, चाइनीज वाले भी, सब अब आयुर्वेद के रिसर्च के रेफरेंस यूज करने हो तो वो किसी भारत सरकार के रिसर्च के रेफरेंस यूज नहीं करते, वहां तो कोई सेटअप ही नहीं है रिसर्च का इतना बड़ा। जो दुनिया में सरकारें और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पा रहा, वो काम आप सबके आशीर्वाद से पतंजलि कर रहा है। आप जो कहते हैं स्वामी जी, और आचार्य जी भी बार बार हमको यही देते हैं निर्देश कि कर्म की ध्वनि दूर तक जाती है, तो स्वामी जी इस कर्म की ध्वनि अब कई देशों की सीमा पार करके बहुत दूर तक गई हुई है। सेन कृतुना संवदेता, ऐसा वेद भगवान कहता है कि भाई हमारे कर्म की ध्वनि ऐसी हो कि सारा जग उससे जगमगा उठे। स्वामी जी दूसरा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक और नई स्टडी की थी स्वामी जी, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक कंस्ट्रक्शन इंजरी मॉडल, CCI। ये स्वामी जी सर्जिकल मॉडल है। अच्छा। इसमें स्वामी जी हम सर्जरी करके एनिमल्स की नर्व्स को, जो यहाँ की नर्व्स हैं थाइज नर्व हैं, वहाँ पे हम एक धागे से उनको बांध देते हैं थोड़े दिन के लिए। तो उससे क्या होता है, जब वो धागा वहाँ उसको बांधा होता है तो वो नर्व दब जाती है, और जब नर्व दब जाती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी हमने फिर सर्जिकल मॉडल किया, जहाँ ह्यूमन केसेस में भी जहाँ कंप्रेशन है नर्व्स के जिसकी वजह से दर्द होता है, वैसा ही कंप्रेशन हमने एनिमल्स में सर्जरी के थ्रू जनरेट किया। अच्छा। तो हमारे पास एनिमल्स के सर्जन भी हैं स्वामी जी, जो सर्जरी करके उनको टांके लगा के पूरा डिपार्टमेंट है अभी उसको और बड़ा कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, अब उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, 100 करोड़ रुपये का इनका बजट है, तो इसमें 100-100 करोड़ में तुम 100-100 रुपए भी दोगे तो बाकी तो मैं कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा देते रहियो बाकी मैं देख लूँगा। हाँ, हमने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है, थोड़ा थोड़ा तुमसे लेते हैं, 20-80 रहता है, 20% तुमसे, 80% में। एक सन्यासी इतना बड़ा वजन ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा तुम भी मदद किया करो। तो स्वामी जी फिर हमने जब इन एनिमल्स के अंदर सर्जरी करके जब ऐसा कंस्ट्रक्शन पैदा किया, तो स्वामी जी उनके अंदर पेन की
बिल्कुल अधिकता पहुंच गए, उनका पेन रिस्पॉन्स बहुत हाइपर एक्साइटेड वाले मोड में आ गया और एनिमल्स की लाइफ भी थोड़ी कंप्रोमाइज हो गई, उनका जो नॉर्मल काम था वो भी स्लो हो गया और वो हल्के हल्के जो काम कर रहे थे वो भी थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई उनको, और दुनिया भर के उनके पेन भी उनके अंदर आ गए। तो समझ जैसा भी बताया था हमने, वो चारों तरीके से पेन नापे, गर्मी की वजह से, ठंडक की वजह से, वजन की वजह से और पिन के चुभने की वजह से, और वो चारों टाइप के पेन इन एनिमल्स में ज़्यादा थे क्योंकि उनकी नर्व्स कंप्रेस थी जो हमने सर्जरी पैदा की हुई थी। अब वो सर्जिकल मॉडल में स्वामी जब आप पिनल गोल्ड को देते हैं तो वो स्वामी जी एक सबसे स्ट्रांग मॉडल है क्योंकि एनिमल बहुत पेन में है और उस कंडीशन में अगर औषधि कोई इफेक्ट दिखाती है स्वामी जी तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि दवा जो है कि ऐसे कंडीशन में भी काम कर रही है जो सर्जिकल कंडीशन से पेन पैदा किए हुए हैं। स्वामी जी हमने देखा और इसमें भी वही तीन ग्रुप बनाए हमने और इसमें स्वामी जी हमने पैरेलल में यूज़ किया एक एलोपैथिक की बहुत नोन दवाई जिसका नाम है गाबापेंटीन जो दर्द में स्वामी जी बहुत यूज़ की जाती है, विटामिन बी के साथ, विटामिन बी 12 के साथ उसका कॉम्बिनेशन आता है और गाबापेंटीन लगभग स्वामी जी दर्द में पहली दवाई दी जाती है जिनको न्यूरोपैथिक पेन होते हैं सब डॉक्टर बोलते हैं। कितने रुपए की आती है गोली गाबापेंटीन स्वामी जी? लगभग 22 से 35 रुपए का उसका सेट चल रहा होता है, वो काफ़ी महंगी दवाई है और उसे काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं उसके 35 रुपए और स्वामी जी उसके साइड और हम और इसमें तो सोने की भस्म भी डाली हुई है ना पीड़ा गोल्ड, मतलब इसमें गोल्ड भस्म भी है, गोल्ड भस्म। तब ये एक गोली कितने रुपए की हमारी? ये स्वामी जी लगभग शायद 20 रुपए की, हमारी 20 रुपए की है और उनका जहर भाई इससे 35 रुपए का। और स्वामी जी उसके साइड इफेक्ट हैं, जो लोग खाते हैं उनकी शुरुआत स्वामी जी कम डोज से की जाती है क्योंकि वो कहा जाता है कि अगर आप उसकी प्रॉपर डोज एक दिन से शुरुआत कर देंगे तो चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी पैल्पिटेशंस होते हैं, तो बॉडी को पहले एडजस्ट कराया जाता है उस मेडिसिन के साथ क्योंकि हर किसी को वो सूट नहीं कर रही होती है। हमारी जो है स्वामी जी मेडिसिन ये सब नेचुरल मेडिसिन हैं, इनका हमारे प्रकृति से लाइंड अप उतना ही है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं इनमें मेमोरी जो है हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की, तो जो हमारी सेल्स का जो ब्रेन है उसकी जो मेमोरीज है वो इन दवाओं को रिएक्ट नहीं करती, एडोप्ट कर लेती है, इनके साथ संघर्ष नहीं करती, वो कहते हैं तो हमारा हमारी सहायता के लिए प्रकृति ने कुछ दिया है। और एलोपैथी की हर दवा को बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? फॉरेन मटेरियल मान करके, जहर मान के, अपने ऊपर आक्रमण मान के कि मेरे ऊपर जैसे कोई हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया ऐसा मान करके उसके साथ लड़ाई करती है पहले तो शरीर जी। तो स्वामी जी इन मॉडल में जब हमने देखा कि इन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर सर्जरी की वजह से पेन था, अलग अलग तीन मेथड से उनके पेन नापे गए तो पेन का लेबल जिसको हम क्वांटिफाई कर पाए वो बहुत बढ़ गया था जो एक्सपेक्टेड था। और उसमें स्वामी जी हमने गाबापेंटीन जो एलोपैथिक ड्रग है जब वो दी तो उसकी वजह से भी पेन के सेंसेशन कम हुए जो भी एक्सपेक्टेड थे। पर स्वामी जी एक्साइटेड बात क्या थी कि जब हमने इन एनिमल्स को पीड़ानिल गोल्ड दिया था स्वामी जी ऑल थ्री डोजेज में, इस बार स्वामी जी हर तीनों डोज पे हमें सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स मिला स्वामी जी। तो जो लो डोज थी स्वामी जी वो भी इफेक्ट दिखा रही थी, जो हाई डोज थी वो तो इफेक्ट दिखा ही रही थी स्वामी जी। तो ये एक और बड़ी बात थी कि हम कम डोज के साथ भी ऐसा रिस्पॉन्स देखने लगे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये जो रिस्पॉन्स है स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट थे और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थे। जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, जो नीचे आपको बार चार्ट दिख रहे हैं, तो जो लाल रंग का पट्टा है वो डिजीज्ड एनिमल है और जो ऑरेंजिस कलर के तीन बार राइट हैंड साइड में हैं वो पीरनल गोल्ड के तीन अलग अलग डोजेज हैं। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे पेन का लेवल तीनों मॉडल में स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम हो रहा है स्वामी जी। सो दैट गोज आउट वेरी वेल। और फिर स्वामी जी हमने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये हो क्यों रहा है और किस वजह से हो रहा है? तो स्वामी जी एक और छोटी सी इसमें फाइंडिंग है वो ये है कि जो पेन के मेन कारण हैं वो एक टाइप के स्वामी जी आयन चैनल्स हैं। अब आयन चैनल्स क्या होते हैं स्वामी जी? आयन चैनल्स हमारे हरेक कोशिका के सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। अच्छा, एक छोटे छोटे गेट्स होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग आयन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आते जाते रहते हैं। और उस गेट के ऊपर स्वामी जी मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हाँ बहुत छोटे छोटे होते स्वामी जी। और पर यह है कि वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं, मतलब वो हर एक आयन को नहीं जाने देते। जिस एक छेद पोटेशियम के लिए है तो उसे पोटेशियम ही जाएगा, एक सोडियम के लिए जो है उसमें से वही प्रवेश करेगा उस दरवाजे से। हाँ स्वामी जी, तो वो जो आयन चैनल्स हैं जिससे आयन जाते हैं उनमें से एक फैमिली है स्वामी जी ट्रिप चैनल्स, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल। तो वो जो चैनल है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे दर्द के सेंसेशन के लिए। तो जितने भी दर्द हैं उसके बहुत टाइप के रेस्पॉन्स ट्रिप के थ्रू जाते हैं स्वामी जी। और बड़ा एक्साइटिंग है स्वामी जी कि वो कुछ ऐसे चैनल हैं जो हमारे हर्बल कंपोनेंट को भी सीधा रेस्पॉन्ड करते हैं। तो कुछ ऐसे चैनल हैं स्वामी जी जो मिर्च को रेस्पॉन्स करते हैं, कैप्सिसिन को, कुछ ऐसे चैनल हैं जो मैंथॉल को रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ हीट को रेस्पॉन्स करते हैं, कुछ कोल्ड को रेस्पॉन्ड करते हैं। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि अगर दर्द का सेंसेशन कम हो रहा है तो
क्या इन एनिमल्स के अंदर इन चैनल्स का सिग्नलिंग भी कम हो रहा है क्या, इनका mRNA लेवल चेंज हो रहा है क्या, क्या अलग अलग टाइप के चैनल्स अलग अलग टाइम mRNA चैनल क्या है? mRNA स्वामी जी एक तो DNA हुआ जहाँ हमारा पूरा जेनेटिक मेकअप है, DNA RNA के तौर पर पूरे सेल को सिग्नल देता है कि अगला प्रोटीन कौन सा बनाना है। हाँ, जो बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है कि किस तरह बॉडी अपने आप को ना एक डिसिप्लिन्ड वे में उभारती है, चलाती है, और उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ उसका मैंडेट होता है किसको कैसे करना है, किस काम को, और एक, कब करना है, और कब करना, कब करना है, कितना करना, कितना है करना, एक डिसाइंड वर्क होता है एक एक सेल का, तो उसको स्वामी होमियोस्टेसिस कहते हैं, मतलब सेल अपने आप को एक अच्छे स्टेटस में बना के रखती है, पूरा शरीर अनुशासन में चल रहा है। 37 ट्रिलियन सेल्स में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ चार आदमी घर में मिलजुल करके नहीं रहते। चलो स्वामी, सेल के अंदर भी काफ़ी सारे अनुशासन हैं, उनमें से एक हिस्सा जीन एक्सप्रेशन है, और जो जीन्स हैं वो ये तय करते हैं कि किस टाइप के प्रोटीन हमारी सेल्स बनाएगी और कहाँ पे फिट करेगी। तो जो ट्रिप चैनल्स है, जो आयन चैनल्स है, वो भी प्रोटीन हैं और उनको उनके डेडिकेटेड जीन्स बनाते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा कि इन एनिमल्स में जिनको हमने सर्जिकल पेन इंड्यूस किए थे, क्या उनके अंदर इन आयन चैनल्स का mRNA लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है। समझे, हमने पाया कि इनमें चारों टाइप के जो ट्रिप चैनल्स हैं उनका लेवल उन न्यूरॉन्स में बढ़ा हुआ था। तो समझे, हमने डोर्सल रूट गैंग्लियन जहाँ दर्द इकट्ठा होता है, जो दर्द का एक मास्टर कंट्रोलर सेक्शन होता है जहाँ से अलग अलग नर्व्स खबर लेके जाती हैं, हमने उस गैंग्लियन को आइसोलेट किया और उस गैंग्लियन के अंदर अलग अलग टाइप के mRNA का लेवल नापा। और स्वामी जी, नापने की जो हमारी टेक्निक है स्वामी जी, आज कोविड की वजह से हर कोई उसे जानता है, उसका नाम है RT-PCR। तो जो RT-PCR मशीन है वो जीन एक्सप्रेशन को नापती है। तो RT-PCR मशीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने ट्रिप चैनल्स के लेवल को नापा और देखा कि पेन के कंडीशंस में ट्रिप चैनल्स के लेवल बढ़े हुए थे, और पीनानल गोल्ड के इस्तेमाल करने से स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से वो जीन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल हुए थे स्वामी जी। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जो ह्यूमन जो एनिमल बिहेवियर से लिंक कर रही थी। तो जैसे एनिमल बिहेव कर रहे थे दर्द की वजह से, उसका कारण हमें दिखा कि ये ट्रिप चैनल के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे। तो जो फंक्शनैलिटी हमारे पास थी उसका हमारे पास एक जेनेटिक रीज़न निकल के सामने आ गया, और वो एक अच्छे तरीके से कोरिलेट हुआ स्वामी जी। और उसके बाद स्वामी जी, हमने देखा कि ये जो तो पेन के कारण तो थे हमारे पास ट्रिप चैनल्स, और पेन की वजह से इन्फ्लेमेशन जो है उसके कारण है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो भी हम बात कर रहे थे। तो क्या साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स जो अलग अलग हमारे नर्व पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्वामी साइटोकाइन तो सेल्स ने छोड़े, उसके बाद वो जो सेल का हिस्सा जो इन साइटोकाइन को रिसीव करके आगे बताएगा उनको स्वामी जी कहते हैं रिसेप्टर्स। तो IL-6 का जो हम बात कर रहे थे उसका भी एक रिसेप्टर है IL-6R, और IL-6R स्वामी जी नर्व्स में भी एक्सप्रेस होता है। तो हमने स्वामी जी उस रिसेप्टर का लेवल देखा, उसका लेवल भी नर्व्स में बढ़ गया था, और पीडनल गोल्ड के इस्तेमाल से स्वामी जी वो लेवल भी कम हुआ था। तो जो इन्फ्लेमेटरी कॉज थे वो भी स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गए थे। तो हमने देखा पेन का कारण कम हो गया, पेन का बिहेवियर कम हो गया, पेन की वजह से एनिमल का रिस्पॉन्स बेटर हो गया, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का लेवल और उनके रिसेप्टर का लेवल भी पीडनल गोल्ड ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ। और स्वामी जी ये पेपर, ये काम आप स्वामी जी जर्नल ऑफ पेन रिसर्च, जो पेन का सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल स्वामी जी, उसमें एक्सेप्ट हुआ। सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल है पेन के ऊपर पूरी दुनिया में ना, पेन मैनेजमेंट एक शब्द ही एलोपैथी में, वहाँ ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो पेन मैनेजमेंट के नाम पर ही पूरी दुनिया में चल रहा है कि भाई उसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन ये जो है पेन मैनेजमेंट के साथ जो पेन के कोजेज हैं उसको भी हम ठीक करते हैं, और ये तो बड़ा काम कर दिया जी, बड़ा समझिए। तो आपको अब और इसका पूर्णाहुति करो। तो समझिए, हमने ये दिखाया कि ये बीच बीच में मैं थोड़ा सा आहुतियाँ लगाता रहता हूँ, थोड़ा बातचीत को व्यावहारिक बनाने के लिए, नहीं तो रिसर्च की बातें लोगों को समझ में नहीं आती थी। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रिसर्च को हम आम आदमी की भाषा में इस मंच से बता रहे हैं। ये भी कैपेबिलिटी हमारे रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग महर्षि में, नहीं तो रिसर्च की भाषा कौन लोग समझे। ये जो अलग अलग रिसर्च की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, आधे तो उसी में उलझ जाते हैं, भाई अपने समझ से परे की बात, वह सब दिमाग के ऊपर ऊपर ही से उठ जा रहा है।
तो आसम जी हमने बताया कि पीनल गोल्ड और उसके कंटेंट न्यूरोपैथिक पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन में बहुत एफिकेशियस हैं, और इसका डेटा स्वामी जी हमारे पास अब क्लिनिकल भी है। जैसा आपने कहा था, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास हैं हम उन सबसे ही फीडबैक लेते हैं। पीनल गोल्ड का स्वामी जी लगभग 1280 पेशेंट का डेटा हमारे पास है, और वो सब इसमें रेस्पॉन्ड किए हैं और बताए हैं कि उनका पेन सेंसेशन पीनल गोल्ड के इस्तेमाल की वजह से अच्छा हो गया है, उनके दर्द में कमी हुई है, सूजन में कमी हुई है, और चलना फिरना भी बेटर हो गया है स्वामी जी। तो उनका दर्द कम हुआ और दर्द के साथ साथ जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो स्वामी जी बेटर हुई थी पीनल गोल्ड के इस्तेमाल से। और स्वामी जी वैसा ही हमने स्प्रे के साथ भी किया हुआ है, लगभग 150 पेशेंट का डेटा जिन्होंने स्प्रे का इस्तेमाल किया था उनका तुरंत लाइक 24 घंटे के अंदर, इनफैक्ट पहला रेस्पॉन्स स्वामी जी 6 घंटे के अंदर आ गया था, जिनको 6 घंटे के अंदर पेन से मुक्ति मिली थी, तो वो स्वामी जी हमने इसके इस्तेमाल से किया हुआ था। तो ये पीडानिल गोल्ड का भी डेटा है, पीडानिल स्प्रे का भी डेटा है, और ये तो अब रोज आप यूज कर रहे हो। जो पीडान तक तेल था उसको हमने के नाम में इधर उधर लोगों को भ्रांति ना हो तो पीडानिल ऑयल उसको कर दिया है, जो वर्षों से यूज कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पर महानारायण तेल, महामाश तेल और कई तरह से तेल के नाम थे, तो हमने वही फार्मुलेशन इसके अंदर यूज किया है। ऐसे ही पीड़ान तक क्वाथ लोग पी रहे हैं, वो तो मेडिकेटेड वाटर में आपको रोज पिला रहे हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों का, पीडानिल ऑइंटमेंट का भी ये अप्रतिम रिजल्ट है। पहले जो है ये पीड़ान तक अपना ट्यूब आता था, तो इससे भी एडवांस जो है इसका डेटा है ये पीडानिल जो है ऑइंटमेंट का, और ये फिर ऑर्थोग्रिड। तो ये एक पूरा पेन मैनेजमेंट का पूरा एक फैमिली है ये, जो आज इसके बारे में पूरे साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ, पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने आपके बीच में रखा। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसे एक एक बीमारी पर बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।